हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंजी पाल और आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक होंगे और आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो रेगुलर देखते रहिए। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जी, मैं बैठी हूँ और टाइम बताऊँ तो बैठी नहीं हूँ, अपने हेयर को ठीक कर रही हूँ। टाइम बताऊँ, सुबह के बज रहे हैं 9 बजे का टाइम है। यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद में मैं ये देखिए जी लगा ली हूँ लिपस्टिक। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेकअप हो रहा है और हल्का ही फुल्का करूँगी, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ। उसके बाद में ब्लॉग जो है दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का भी ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, बहुत मेहनत करती हूँ तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने जी जो जो भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यह आज की ये मेरी ड्रेस है, तो बहुत पुरानी, ये गरम स्वेटर जो है, गरम स्वेटर पहन के रखी हूँ ऊपर। दोस्तों बहुत ओल्ड स्वेटर है ये, जब स्वेटर, ये स्वेटर जो है ना मैंने आज पहन ली हूँ। ये स्वेटर मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जो कि कम से कम नहीं, ये हो गया होगा 15 साल पुराना स्वेटर तो रखा हुआ था। तो मैं सोची चलो क्यों ना एक ब्लॉग इसका भी बनाया जाए, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि मैंने मेडिकल खोल के रखी हूँ दवाइयों का, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल मेडिकल जैसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मैं ही रखी हूँ, ये कहीं लेटरिंग की हैं, कहीं पेट दर्द की हैं, कहीं क्या नाम कह रही, भूख बढ़ाने की है, कोई कुछ ये ऐसे सब कुछ था। तो मैं सोची एक्सपायरी डेट हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे आज मेरा सर बच गया सच्ची में। हाँ, सर पे वैसे लगता था हल्की हल्की मुल्की चोट लग सकती थी कि ज्वेलरी बॉक्स था उसमें पूरा भरा हुआ था और कोई कोई हैवी भी ज्वेलरी थी। तो चलो क्यों ना आपको दिखा ही देती हूँ पहन के कैसी लग रही हूँ। और देखो ना, मेरे को देख के बुद्धू बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्योंकि इस पे कोई ये नेकलेस पहनता है तो मैं खुद हंस रही थी और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को भी हंसाना ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कुछ भी आए तो उससे वो आप लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मतलब मेरा फ़र्ज़ ये है आप लोगों को हंसाऊं और मतलब, और तो मेरे वीडियो भी मैं हंसते ही दोस्तों हमेशा ही, आप लोगों को तो पता ही मेरे चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होती है। आप लोगों को सामने आती हूँ तो हंसते ही हुए आती हूँ, चाहे कितना भी मुसीबत में हूँ, चाहे कुछ भी हो, पर क्या करूँ, ज़िंदगी है दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है। और ये देखिए एक और नेकलेस तो मेरे पास बहुत सारे हैं और वही मैं वो छोटू उठा के ले गया था, तो मैं उनको डांटने ही लगी। मैं बोली तुम कहीं इधर उधर पटकोगे ना तो इसका जितना कुंदन ऊपर का है सब निकल जाएगा, तो क्यों ना बालियाँ पहन लूँ। बालियाँ मेरे को मिल गई और मैंने कान में जो डाल के रखी थी गोल्ड, उसको मैंने निकाली, मैं दूसरा गोल्ड पहन ली। मैं बोली चलो इसको पहनती हूँ, तो दोस्तों मन किया तो मैं पहन ली। और यहाँ पे दोस्तों ना, तो ये जो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ वही इधर क्लीनिंग जो करनी है, यहाँ पे दवाइयाँ जितनी हैं उनको सब निकाल दूँगी एक्सपायरी डेट वाली, ठीक है। और यहाँ पे तो दोस्तों ये मैं बता दूँ क्या है, अर्चित की दवाइयाँ हैं जो कि मैं कल गई थी और लेके आई थी दवाई, मैं और मेरा बेटा दवाई लेके आई थी। तो इसका ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा, मैं ज़्यादा मतलब अंदर तक जहाँ डॉक्टर के पास लेके गई थी वो तो मैंने शूट नहीं की वीडियो, क्योंकि दोस्तों ना बहुत लोग हैं जो इतराज़ करने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है अपने आप को भी, क्योंकि कोई नहीं जैसे ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ दवाइयाँ दी थी, एक ट्यूब दी थी और मेरे को बोला है ना पानी गरम करके उसमें हल्का सा नमक डाल के बच्चे का उंगली जो है इसको धीरे धीरे से धोना है, तो वो काम करना है और ये दवाइयाँ खिलानी हैं। तो मैं फिर लेके आई थी दोस्तों, और
क्योंकि तो हाँ वीडियो की बात करें तो वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, थोड़ा सा शूट करी थी जो कि मैं ऑटो पे गई थी बैठ के अपने बच्चे के साथ, दोनों ही बच्चों को लेके ऑटो पे बैठ के गई थी। तो दवाइयाँ तो आपको मैंने दिखा दी हूँ, ये कुछ दवाई दी है खिलाने के लिए दिया है। और मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि मौच गई हुई है, तो हाँ जी मौच गई हुई है सच्ची में, मतलब मुड़क गई उंगली हल्की सी, तो हल्की नहीं क्योंकि अभी तक सूजी, हल्की अगर होती तो मतलब एक दो दिन में ही ठीक हो जाती, और चोट तो काफ़ी लगी हुई है, तो अभी भी उंगली में सूजन गायब नहीं हुई है, अभी भी सूजन है जो कि इतनी देखभाल कर रही फिर भी, तो चलो ठीक हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं, पर मैं ही ले लेती हूँ थोड़ी थोड़ी बात के लिए टेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऊपर का क्लीनिंग कर ली हूँ, जहाँ पे मैं देख देख के दवाइयाँ जो है काम की दवाइयाँ हैं जिनका एक्सपायरी डेट नहीं निकला है उनको मैं रखे ले रही हूँ। तो ये दोस्तों दवाइयाँ जो है ना मेरे घर में हमेशा ही मिलेंगी, और जो जो दवाइयाँ मैं फेंकूँगी एक्सपायरी डेट का, उनको मैंने क्या की हूँ बताए, एक पेज पे पूरा लिख ली हूँ, ये दवाई जैसे उस दवाई का नाम, दवाई किस चीज़ की है, पेट दर्द है या मतलब भूख बढ़ाने की है या जैसे वगैरह वगैरह जो भी है ना, सब लिख लिख के अलग एक डायरी पर मैंने रख ली हूँ, क्योंकि जब भी मुझे चाहिए होगा वही डायरी लेके जाऊँगी जैसे, और लेके लेके मतलब दवाई आ जाऊँ। मैं सोची इसको दुकान लगा के क्या फ़ायदा है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो उनका एक्सपायरी डेट निकल गया था। तो दवाइयाँ दोस्तों आप लोग भी यही काम किया करो, कि करते भी होंगे, मेरे बोलने से नहीं करोगे, सब लोग करते ही हैं, दवाइयाँ हमेशा घर पे बना के रखनी चाहिए। आप एक बार दवाई लेके आए हो डॉक्टर पास गए हो, अगर बुखार की बच्चे की लेके आए हो या बड़ों की, ठीक है बच्चों की तो चल जाती है, बच्चों की लेके आए हो, अगर 1 साल का बच्चा है उसके लिए लेके आए हो, वही सीसी आप दुकान पे ले जाओ, आपका 5 साल का बच्चा हो गया उसका एज बता दो, इतने साल का बच्चा मुझे इसी की यही दवाई चाहिए इसी कंपनी की, ठीक है कोई भी दवाई जो है। तो दोस्तों मैं यही करती हूँ, आप लोग भी यही किया करो। तो यहाँ पर ऊपर पर क्लीनिंग हो चुकी है, अब मैं सामान सेट कर दे रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं नीचे वाला ये दराज साफ़ कर दे रही हूँ, जिसमें मेरा रहता है मेकअप का सामान, और भी थोड़ा मोड़ा सब मेकअप का, और मेरी सिलाई मशीन का सामान रहता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूँगी फिर के। दोस्तों यहाँ पे मेरे सामान मुझे सेट कर देना है, ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, और दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्लीनिंग हो चुकी है, मशीन का सामान रख दी हूँ, अब बाकी का सामान सेट कर दे रही हूँ। लो जी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, ये सामान मैं रख के ले रही हूँ, ये मैंने ले ली छोटी सी बैग, जितनी भी दवाइयाँ हैं इसमें भर लूँगी, और इसको ले जाके कहीं साइट में मुझे फेंकना है, ऐसी जगह नहीं फेंकना है तो जो टूटे लोगों के पैरों में लगे। बाय बाय।